हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलो आज मैं अपने साथ ले चलती हूँ जल्दी से ज्वेलरी टूर पे। मैं आपको बताऊँगी मैं कहाँ से ख़रीदी हूँ, क्या ख़रीदी हूँ। ये फर्स्ट है हमारा आई पिन, सिल्वर गोल्डन, जो दोनों काफ़ी यूज़ होता है। इसमें हर टाइप के आते हैं, मेटेलिक जो भी है आप देख लीजिएगा इसका। फिर इसमें मैं ईयर हुक्स दिखाऊंगी। ये जो दो हुक्स है मेरे पास, ये रोज़ वाले हैं और रोज़ गोल्ड, और ये सिल्वर है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ क्रीम गोल्डन, और ये जो हम लोग अधिकतर दोनों जो नीड्स है, ये हमारे जंप रिंग है जो हमने फंस ना जाए करके हम लोग वो क्रीम्स लगाते हैं। और ये फ्यूज़ वायर है जो अधिकतर हम लोग जो छोटे छोटे दिखते हैं ना बीड्स जो रहते हैं उसमें नीचे छोटे से ऐसे बने रहते हैं जो लटकते रहते हैं, ये इन्हीं की मदद से बनाते हैं। अब हम ये छोटे से बॉक्स दिखाती हूँ जो मैंने 17 रेडर्स लिया था। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें स्टॉपर है, ईयरिंग स्टड है, और ये लॉबस्टर है। इसमें जो पेंडेंट के हुक्स जो होते हैं ये है जो आप लगा सकते हैं पिंस। और फिर इसमें बहुत सारे ईयरिंग्स की वैरायटी है। इसमें आई ईयरिंग मैंगो वाले शेप में, राउंड शेप में, और बहुत सारे होते हैं वैरायटी सब होते हैं। ये अभी इसमें तीन टाइप के हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बॉक्स में तीन टाइप के आते हैं जो मैंने 17 रेडर्स लिया था। अब इस पर ये है बॉल पिन, ये हमारा हेड पिन, और एक और होता है आई पिन जो आपको फर्स्ट पे दिखाई थी। ये तीन तो बेसिक है जो यूज़ होते हैं। इसमें जंपरिंग है वो कई साइज में आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, रोज़ गोल्ड, ब्लैक, जो भी है। ये हमारे बॉल्स वाले 8 mm के स्टड ईयरिंग जिसे हम बना सकते हैं। इसमें नीचे स्पेस भी रहता है, आप कुछ लगा के लटकन टाइप का बना सकते हैं। नए टाइप के जितने भी आप वैराइटीज ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये वाला जो आपको मैं बॉक्स में दिखाई थी वही है, ये शायद उससे थोड़े बड़े साइज है। ये देखिए ये वाला ईयरिंग है, अच्छे है ना, बहुत क्यूट क्यूट है ना, बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी शॉपिंग करना अच्छा लगता है। ये वाले थे, मैंने पैकेट खोले ही नहीं थे। ये टॉगल है, देखिए किधर से फिट कर रही हूँ मैं, जो लग ही नहीं रहा है। ये हाँ ऐसा है टॉगल, मैंने इसको मंगाया था बड़े साइज़ में बट थोड़े छोटे साइज में आ गए थे। अब ये दिखाती हूँ मैं, ये जो पेंडेंट में हमने पीछे से जो लगाते हैं वो है छोटे 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 छोटे। इसमें मेरे पास क्या है, दो साइज में है, दो कलर में है, सिल्वर एंड गोल्डन। अब ये हमारे दिखा रहे ईयरिंग हुक्स स्मॉल साइज़ के हैं, इसमें भी कई साइज के आते हैं, बड़े बड़े 50, 54 mm, 40 mm, 20 mm, 24 mm। और ये दो मेरे क्यूट से प्यारे जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, पाइलर है, कटर है। अब ये मेरा पीटर आ गया, ये मेरा इलास्टिक जो हम ब्रिस्टेट बनाते हैं उसके लिए इलास्टिक है, बहुत सारे थ्रेड हैं, एंड ये हमारा स्टिक जो हम बीट से स्टिक करते हैं वो है। और ये बहुत देख रहे हैं आप, बहुत सारे इसमें इलास्टिक वायर है, और ये सब मेरे वायर्स है 0.2 mm, 3 mm, 4 mm, ये सब के वायर्स है जिससे हम ईयरिंग, ज्वेलरी जो भी बना सकते हैं, ये जो वायर ईयरिंग बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। सो मैं इसको ऐसे रखती हूँ। अब हम खुलेंगे बॉक्स जो थोड़ा फिसी टाइप के है, आप सोचिए मत कि कैसा रखा हुआ है। ये मैंने जो कुछ, ये दो पैकेट मैंने आज तक नहीं खोले हैं, लिए हैं बट रखे हुए हैं, अभी यूज़ भी नहीं की हूँ। अब हम चलेंगे मेरे, ये मैंने इसको शॉप से ख़रीदा था। ज्वेलरी की आप शॉप में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ज्वेलरी के जो जहाँ ज्वेलरी मटेरियल वाले शॉप होते हैं ना, वहाँ आप जाएंगे ना, आराम से ढूंढेंगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस थोड़ा टाइम रखिए, पेशेंस दीजिए, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, तो आपको सब मिल जाएंगे। और ये सब मैंने मेड इन इंडिया बीट से भी कई सारे चीज़ मंगाए थे। पाइप्स है, ये हमारा यहाँ ज्वेलरी बनाने के काम आता है, नेकलेस पीस बनाने के काम आता है। ये ईयरिंग हुक्स है जो अपना लटकन वाला जो बनाते हैं। ये है लोटस वाले ईयरिंग के बेस मटेरियल है ये सब ईयरिंग का। ये है दो चार्म्स स्टार वाले और एक बटरफ्लाई वाले, माय फेवरेट। एंड ये है वायर ईयरिंग, ये ईयर कफ है, वाह ये मिल गया मुझे, बहुत दिन से ढूंढ रही थी। ये ईयर कफ है, ये ईयरिंग के मेटल ईयरिंग के लिए, मेटल वाले ये बहुत सारे वैरायटीज़ में हैं, ये वायर्स वाले में हैं, देखिए इस टाइप के भी आते हैं। तो आप इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ईयरिंग बनाने में, ब्रेसलेट बनाने में, जैसे जैसा आपको यूज़ करना है। इसको आप खुद से भी वायर लेके भी बना सकते हैं। मैं कभी इंस्टेंट मुझे बनाना रहता है तो मैं इससे बना लेती हूँ, मैं सब टाइप के ट्राई कर लेती हूँ। ये हुक्स है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली ना जो हुक्स है ना साइड से वो थोड़ा दबा हुआ है। और ये है मेरा कौन सा वाला है, ये हाँ फ्लावर वाले, इसकी ईयरिंग पेंडेंट उस बनाएंगे तो आपको अच्छा लगे। आप बताइए कि आप किस टाइप के इसमें बना सकते हैं, थोड़ा तो माइंड पे सोचिए और बताइए कैसा वाला अच्छा लगेगा। मैं आपको इसके दिखाऊंगी न्यू रेल बना के।
मेरे चाम्स है, चाम्स है, चाम्स है, बहुत सारे चाम्स मेरी नहीं, फिर से भी बहुत सारे ऑनलाइन भी ऑप्शन आते हैं, शॉप में जाओगे तो आपको शॉप में मिल जाएगा। बस शॉपिंग करने जाओ तो थोड़ा पेशेंस दो, पेशेंस रखो और टाइम थोड़ा दो तो सब बन जाते हैं। और मेरे चाम्स है, चाम्स मुझे बहुत पसंद है, चाम्स के मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस है, आप देख रहे हैं जैसे कि मुझे चाम्स से, चाम्स इसमें दिखेंगे पूरे चाम्स से भरे हुए हैं, गोल्डन, सिल्वर, गोल्डन स्टार, फिश स्क्वायर, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में ये सब चार्म्स चल रहे हैं, हैप्पी, एविलाइज, बटरफ्लाई, ये सब चार्म्स रखे हुए हैं सब। इसकी इयररिंग, ब्रेसलेट, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम अब चलेंगे अपने नए वाले में, ये सब बीट्स है, ये सब बीट्स है, ये जो आप अपने ज्वेलरी नेकलेस सेट बनाते हैं उस पे काम आ जाता है, थोड़ा हैवी लुक में आ जाता है, इसको इसमें बनाएंगे तो आपको हैवी लुक में आपको दिख जाएगा आराम से। ये भी चाम्स है, बहुत सारे चाम्स है, चाम्स है, चाम्स है, चाम्स है, चाम्स एंड चाम्स, चाम्स, चाम्स। आपको हैवी लुक में बनाना है तो ये सब यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल बनाना है तो उसमें सिर्फ मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी कि मेरे मैं किस टाइप की हैवी बनाई हूँ, सिंपल सिंपल वाले जो डेली वेयर में पहन सकते हैं। ये है बीट्स, अनकट बीट्स बोलते हैं, इसके साइज थोड़े से वो वाले होते हैं, पर्ल बीट, ये भी है, 8 शेप में है, और ये मेरे तो था, ये बीट्स है, बीट्स, बीट, बीट्स। हाँ, और एक बात, अगर आपको बीट्स के बारे में जानना है, बीट्स के बारे में अगर आपको हो किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं कलर, ये वेरिएंट क्या क्या नाम से होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं बीट्स के वीडियो बना के डालूंगी, क्या आपको बताऊँगी। कहीं ये है आर क्लिक चैन, ये दो आर क्लिक चैन है, बाकी के चैन कहीं रखे होंगे मुझे मिल नहीं रहे हैं। ये मैंने सदर बाजार मार्केट से लिया था, 60 रुपीज़ में ये 3 मिले थे। ये मेरे बीट्स, ये मेरे क्या बोलते हैं, हमारे हुक्स है, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे जो पसंद आता है मैं उठा के ले आती हूँ। ये चाम्स है, पेंडेंट है, पेंडेंट बनाने के काम आते हैं, मैं आपको एक पेंडेंट भी दिखाऊंगी, इसमें मैंने बनाया है, पेंटिंग करके बनाया हुआ है। ये बीट्स है, ये फेमो बीट्स है, ये मेरे चाम्स है कलेक्शन। और ये अपना ब्रेसलेट बनाने के लिए, ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट के लिए है, बस इसमें ऐड कर दो और हो गया हमारा रेडी ब्रेसलेट। ये चेन्स है, अब ये बॉक्स तो हमारा ख़त्म हो गया, मैं नेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं। आप मुझे ये बताइए अगर आपको बीट्स के बारे में जानना है तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरा बीट्स का पिटारा खुल रहा है, ये हमारा बीट्स है। अब इसमें आपको हर टाइप के बीट्स मिलेंगे, एविलाई वाले मिलेंगे, छोटे बड़े, इसमें अनकट मिलेंगे, और ये वाले जो बीट्स होते हैं जो ग्लास प्लास्टिक के जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। और ये मेरे पास है जेली बीट्स, 2 mm बीट्स, प्लास्टिक बीट्स, ग्लास बीट्स, इसमें सब टाइप के बीट्स मिक्स है, लावा बीट्स, और दिन पे तो बहुत सारे आते हैं, और भी क्या क्या नाम से आते हैं, फेमो बीट्स भी 2T टाइप के आते हैं, ये सबसे कॉस्टली होते हैं ये बीट्स। ये फ्लैट बीट्स बहुत सारे, आपको इसमें इसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने कितने टाइप्स के आते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कह के लिए मुझे बीट्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मैं कई सारे प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी बना के मैं पहन लेती हूँ, कुछ कभी अच्छे लगते हैं कभी तोड़ना पड़ता है। अब मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये मैंने ये सिंपल 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 दिखा रही हूँ जो आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं। ये है पेंडेंट जिसको मैंने पेंटिंग करके हार्ट शेप में बनाया हुआ था, और ये सिंपल सा मेरा पर्ल वाला जो मैं कहीं भी किसी भी पहन सकते हैं वेस्टर्न इंडियन लुक में, ये वाला है ऑफिस वेयर, इसमें सेव छोटे छोटे शंख वाले सेल लगे हुए हैं, देखिए कितना क्यूट लग रहा है, सो एलिगेंट। ये तो मेरा ब्यूटीफुल की वाला पेंडेंट नेक नेक पीस है, ये थोड़ा फिजी हो गया है, फंस गया है इसमें थोड़ा सा, ये मेरा हार्टी है जो मुझे बहुत पसंद है, माय फेवरेट, जिसको इसको अधिकतर मैं इसको वेस्टर्न लुक में पहनती हूँ, ये मैं इंडियन लुक में अधिकतर पहनती हूँ, एस शेप में है ये, इसके साथ मैंने क्यूट से छोटे ब्रेसलेट बनाए, इसको कहीं भी, इसके इयररिंग्स देखिए कितने क्यूट से हैं, इसको आप ऑफिस वेयर में या डेली वेयर में पहन सकते हैं, स्किन कलर नहीं जाने वाले, कुछ भी नहीं जाने वाले, कौड़ी 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 चल रहा है इसलिए मैंने इसको बना के रखा हुआ था ये मार्केट। और ये मेरा क्यूटी है, इसके आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बने रहिए, कमेंट बताइए आपको कैसा लगा ये, तब तक के लिए बाय बाय।